जिले के गीड़ा थाना क्षेत्र के गाहा साड़ में स्कूली बस पलटने से आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने निजी अस्पताल में भेजकर इलाज कराया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी मौके पर पहुंच गए। गीड़ा पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि सहजनवा थाना क्षेत्र के भीटी रावत स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल की बस जैतपुर पिपरौली बुकटा कालेसर होते हुए गाहा साड़ से बच्चों को लेकर भीटी रावत स्थित विद्यालय जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक बस को तेज रफ्तार से चला रहा था। अभी वह गाहा साड़ के राम जितुआ टोला के पास पहुंचा ही था कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार हर्षिता मिश्रा, प्रज्ञा मिश्रा, श्रियांश दिव्यांश जायसवाल, श्रेया जायसवाल घायल हो गए। स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चों को अपने ही निजी अस्पताल में इलाज कराया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसडीएम सुरेश, तहसीलदार केशव प्रसाद, नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह पहुंच गए। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। एसपी नॉर्थ ने कहा कि घटना को लेकर किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है, तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, स्कूल सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल की एक बस जिसमें लगभग 25 से 30 बच्चे सवार थे, वो थाना गीड़ा क्षेत्र में पलट गई है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को कोई विशेष चोट नहीं लगी है। सभी अपने गार्जियन के साथ अपने घर चले गए हैं। गाड़ी के ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि गाड़ी की फिटनेस वगैरह और सारी चीज़ें पूर्ण थी कि नहीं, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।